आज की नशिस्त में जो हम सब जमा हुए हैं, ये अल्लाह का लाख लाख एहसान है कि ऐसे अब्दुल अजीज काबिल एहतराम काबिल मोहतरम जनाब फारूक खानदान साहब, जिनके खिदमत जिनके हयात में जो उर्दू ज़ुबान के लिए उन्होंने खिदमत की हैं, आज सब हम जमा हुए हैं। इसके मुताबिक आज के जो मेहमान हैं हमारे पास मौजूद हैं, डेस्क पर बैठे हुए हैं, ये तारुफ के मोहताज नहीं हैं, लेकिन फिर भी एक रस्मन जो है मैं चंद अल्फाज इनके ताल्लुक से कहूँगा। सबसे पहले अलहाज फैरोज नूरुद्दीन शेख हमारे अब्दुल अजीज लीडर हैं, और एक उनकी शख्सियत आपके मोहताज नहीं है तारुफ की, लेकिन आपकी जो खिदमात हैं वो इसको बयान करना चंद लफ्ज़ों में मेरे बस की बात नहीं है। मैं इतना ही कहूँगा कि आपने दो साल दो मरतबा लगातार एमएलए के हैसियत से हमारे शहर बेलगाम की असम्बली हलके से इंतखाब हुए और काफ़ी उन्होंने खामोशी से काम किया। अब दूसरी जानिब हमारे मौलाना नसीरुद्दीन साहब हैं, मुफ्ती साहब हैं, आप ये भी जानी मानी शख्सियत हैं, हमारे शाही मस्जिद में आप इमामत करते हैं। अब शाकिर साहब जो है सिंधी से यहाँ पर तशरीफ लाए हैं, मैं हिंदी से यहाँ पर तशरीफ लाए हैं, वो भी बहुत ही मुखलिस और अपने कामों में मगन रहने वाले उल्मा में उनका शुमार किया जाता है। अब जनाब आसिफ सेठ हमारे अंजुमन सदर अंजुमन इस्लाम बेलगाम के सदर हैं, और आपने भी बखूबी बहुत सारे काम अंजाम दे रहे हैं, वो आपके नज़रों के सामने है। गुज़िश्ता कोविड में जो है आपने हॉस्पिटल खोल के सारे रियासत ने सारे बेलगाम के हिंदू हो चाहे मुसलमान हो उनकी उनके अमले में अमले के साथ आपने काम किया, जिसकी सताइश करते हुए हुकूमत कर्नाटक ने उनको बेहतरीन अवार्ड का उनको अवार्ड से नवाजा है। जब एक उस्ताद अपने मैदान में कदम रखने से पहले तैयारी करता है तो उसकी तैयारी किस कदर जो है दुश्वार होती है,
तो मेरे लिए वही मामला था कि हमारी लिखाई बहुत ख़राब थी उस ज़माने में, और जब मैंने घर में अपने तरफ से किताबत करने की कोशिश की तो मेरे वालिद साहब ने देखा कि अभी लिखना नहीं आता, तो उन्होंने मुझे सीधे जो है जौहर सहाफ़त के दफ्तर को पहुँचा दिया जहाँ पर किताबत का काम हुआ करता था। और जब मैं वहाँ पहुँचा तो फिर मेरा ताल्लुक सबसे पहले वाहिद हुसैन शाहपुरी साहब मरहूम से जुड़ा, और उसके बाद बराह रास्त फारूक हन्नान से मेरी जो है पहचान हुई, और 1992 से लेकर मैं आज तक उनके करीब हूँ, उनको जानता हूँ पहचानता हूँ। फिर मैंने देखा कि एक उर्दू अखबार निकालना, उसे छपाना, फिर उसे लोगों तक पहुँचाना, फिर इससे आने वाली जो मुसीबतें हैं परेशानियाँ उसको झेलना, कई मुकदमात उन पर हुए, कई तकलीफें हैं, मैं किताब में आप उसको जो है पढ़ेंगे महसूस करेंगे, तफसील में जाना नहीं चाहता हूँ। मैंने करीब से देखा और मेरा ये हमेशा जो है रूटीन रहा करता था कि मगरिब के बाद मैं उनके दफ्तर पहुँचता था, वहाँ मुझे कुछ पढ़ने भी मिलता था, किताबें भी मिलती थी, रिसाले भी मिलती थी, और जो तालीमी सरगर्मियाँ बेलगाम में हुआ करती थी मैं उनके अखबार के ज़रिए मंजर आम पर ला कर जो है बच्चों की असातिज़ा की हौसला अफजाई भी कर लिया करता था, और हमेशा उनका जो है मुखलिसाना साथ जो है मिलता रहा। आज की हमारी ये मजीद नशिस्त इंतहाई काबिल एहतराम और काबिल दीद, काबिल दाद और काबिल तकलीद होनी चाहिए कि फारूक भाई ने जो अपना सहाफ़त का सफ़र शुरू किया था 79 से लेकर वो तकरीबन 40 साल या अरसा है, इतने तवील अरसे में इन्होंने सहाफ़त को बिल्कुल दारदार होने नहीं दिया है, और पूरी ईमानदारी के साथ सोजे दिल के साथ मिल्लत की, कौम की, मुल्क की सही रहनुमाई की तरफ उन्होंने कदम आगे बढ़ाया है। और जहाँ तक हमने इनकी अखबार का मुताला किया उसमें हमें यही चीज़ें ख़ास तौर पर नज़र आई हैं, इसके लिए बतौर ख़ास फारूक भाई हमारी तरफ से मुबारकबादी का इस्तेहकाक रखते हैं। और किताब के अंदर बहुत सारे मज़ामीन हैं जिससे हमें ये अंदाज़ा लगा कि फारूक भाई अभी हिम्मत नहीं हारे हैं, लेकिन उनकी ये दिली तमन्ना है, उनकी तरफ मुझे ये शेर कहते हुए कोई झिझक नहीं होती है, वो ये है, मैं तो माइल बकरम हूँ, हम तो माइल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलावे किसे रहरवे मंजिल। आज की नई नस्ल को उर्दू सहाफत से कोई भी उनको मस नहीं रहा है, ताल्लुक नहीं रहा है, जिसकी वजह से उर्दू सहाफत जो है वो आए दिन मुर्दा होती जा रही है। जिसकी लहू था स्याही, सहाफत के मैदान का वो एक सिपाही, कलम तय जिसकी लहू था स्याही, सहाफत में अपना कदम जू ही रखा, सहाफत में अपना कदम जू ही रखा, लहू दिल का अखबार पर है उंडेला, हकीकत ही लिखा, हकीकत ही लिखता रहा जब भी लिखा, न कि इसने हरगिज कभी कज अदाई, कलम तय जिसकी लहू था स्याही, सहाफत के मैदान का वो एक सिपाही, सहाफत में खुद को खपा कर के रखा, हर एक छल से पर्दा उठा कर के रखा, सहाफत में खुद को खपा कर के रखा, हर एक छल से पर्दा उठा कर के रखा, हकीकत को नजरों में ला कर के रखा, सदा जिसने हक की सदा है सुनाई, सहाफत के मैदान का वो एक सिपाही, कलम तय जिसकी लहू था स्याही। मोहतरम फारूक हन्नान साहब की एक किताब को कंपाइल करते हुए तकरीबन पहले ही सफ़े पर जनाब अमानुल्लाह निज़ामी साहब ने एक बहुत बड़े मुफक्किर का कौल नकल किया है कि किसी भी ज़बान और तहजीब को उसकी किसी भी कौम को उसकी तहजीब से जोड़े रखने में उसकी ज़बान और उसके रस्म अल-ख़त का उसकी लिपि जो होती है उसका बहुत बड़ा रोल होता है, और कौमें अपनी ज़बान से अगर दूर होती हैं तो आहिस्ता आहिस्ता और तनाज़ुल का शिकार होकर तारीख के अंदर का एक हिस्सा बन जाती है। फारूक हन्नान साहब जिनके एजाज़ में आज हम सब जमा हुए हैं, जिनके एजाज़ में जिम्मेदारान भी यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, उनकी ख़ास बात यही है कि उन्होंने अपनी तालीम मुकम्मल करते ही उर्दू सहाफत को और सामाजिक जद्दोजहद को अपना नज़्बुलैन बनाया, करियर बनाया और तरीक़ेकार के तौर पर इसको मुंतखब किया। हम भी अपने तालिब इल्मी के ज़माने से जब से हमने होश संभाला है, जिस प्रोग्राम में भी हम पहुंचते हैं,
जाते रहे हैं, हमने यही देखा है कि फारूक खन्नान साहब की शख्सियत अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा वहाँ मौजूद रही और कुछ ना कुछ खिदमत और रोल वो अदा करते रहे। फारूक खन्नान साहब एक अच्छे साफी भी, एक अच्छे जर्नलिस्ट भी, एक अच्छे इंसान, एक अच्छे दोस्त, जो हम सालों सालों से देखते आ रहे हैं। इनके में कोई ग्रीड नहीं थी, कोई चाहत नहीं थी कि मुझे ये चाहिए या वो चाहिए। वो अपने सहाबत के जरिए लोगों तक अपने ख्यालात, अच्छे ख्यालात पहुंचाते गए हमेशा। और जब भी हम बैठ के बात करते थे तो उनके ख्याल यही रहते थे हमेशा कि हमारे कौम के लिए ऐसे चाहिए, ये करना है, ऐसे करना है, पीपल को ऐसे बढ़ाना है, पीपल को ये करना है। हमेशा जिंदगी भर मैं देखते आया हूँ आज 30-40 साल से कि अच्छे ख्यालात लेके ही वो अपना काम करते आए हैं। सहाफत पर गुफ्तगू करना एक लंबे वक्त के लिए दरकार है, लंबा वक्त दरकार है, छोड़ रहा हूँ। सहाफत बजाय खुद एक वादी पुरखार है जिसमें कदम रखने के बाद यानी सिर्फ कांटे ही कांटे कदम कदम पर उसे मिलने की तवक्को होती है। उसमें उर्दू सहाफत, उर्दू सहाफत के मैदान में कदम रखना, ये गोया फरहाद की तीसरा जदी के बराबर है। फरहाद ने तीसौ सर की बाजी लगा दी उस कोहकन को, पूरी जिंदगी की बाजी लगाने के बाद इस उम्मीद पर वो बाजी लगाए हुआ था कि आज नहीं तो कल जुए शीर व शीरी से हम किनार हम आगोश होंगे। लेकिन तारीख जानने वाले जानते हैं कि शायद इसका ख्वाब शर्मिंदे ताबीर ना हो सका। मैं सफवाना मोहम्मद इरफान जमादार, आज मैं अपने नाना के लिए कुछ अल्फाज बोलूंगी। नहीं मिलता सबको नाना दादा का प्यार, किस्मत वालों को मिलता है नाना दादा का प्यार। इनमें से एक मैं और मेरे भाई बहने भी है। मेरे नाना जान को मैं पप्पा बोलती हूँ, मेरे पप्पा मुझसे बहुत प्यार करते हैं, इनका प्यार और साथ में कभी नहीं भूल सकती। जन्नत जैसा मेरा घर है जहाँ नाना नानी की दुआ और प्यार है। आज मैं चेहरे पर इनकी मुस्कान है क्योंकि हर उलझन में मेरे नाना सबके साथ है। शुक्रगुजार हूँ मैं अल्लाह की मुझे ऐसे अच्छे नाना दिए। गर्व से सर ऊंचा होता जब मैं अपने आप को फारूक खन्नान की नवासी कहती हूँ। It's my immense pleasure to stand before you to say a few words on this proud moment. It's the most cherished part of this day and for me and my family. As we all know, Farooq Khannan is a very respectful, disciplined and hardworking person. My father is a role model for everyone. Though he is a journalist
an excavator and a politician, he has kept all this above for himself. He is very generous and down to earth. He being my father, genuinely, he is the best. From his busy schedule, he always gave us quality time. He never did anything for himself. He worked day and night without any cause to it. And all his hard work was for us. He never did anything for himself. He always wanted us to give the best life with the knowledge of good and bad of this world and akhirat. He has given us lots and lots. And now it's our turn to give him the best. Alhamdulillah, I am so lucky and blessed to be your daughter, Papa. मैं अपनी ग्रहण पेश करने से पहले मैं फिरोज सेठ सखाब के वास्ते एक शायरी कहना चाहता हूँ। रूह कहते हैं, जान कहते हैं, फकरे बेलगाम कहते हैं। रूह कहते हैं, जान कहते हैं, फकरे बेलगाम कहते हैं। ये ऐसी शख्सियत के मालिक है जिसे फैरों से कहते हैं। शाखों से टूट जाए वो पत्ते नहीं है हम, जो शाखों से टूट जाए वो पत्ते नहीं है हम, कोई आंधियों से कह दे अफसोस यही है कि बेलगाम शहर में लाखों और हजारों तक के तादाद में हमने उर्दू स्टूडेंट्स को टीचर्स को देखा है, मगर उर्दू जुबान इस्तेमाल करने वालों को मैंने नहीं देखा सिवाय स्टेज पे कभी कभी ऐसे। बाकी जहाँ भी स्कूल है उसके कंपाउंड वॉल के बाजू में भी उर्दू का इस्तेमाल होता ही नहीं है। बड़ी अफसोस की बात, बहुत अफसोस की बात है। जब निजामी साहब मेरे पास आए बोले कि भाई फारूक भाई के बारे में कुछ लिखना है साहब, और आपसे भी पूछना है कि इनके बारे में आप क्या कहते हैं, कहना चाहते हो, आप क्या सोचते हो, इनका इन्हें कितना जानते हो, कैसे जानते हो। हमने यही कहा कि भाई एक दोस्त दूसरे दोस्त के बारे में क्या बोल सकता है, अल्फाज कम पड़ते हैं क्योंकि एक्सपीरियंस जो होता है एक फ्रेंडशिप का वो अलग ही होता है। मैं यही कहूँगा कि एक बहुत ही खुददार, अपराइट, ऑनेस्ट, भरोसेमंद दोस्त मिलना बड़ा मुश्किल है जिंदगी में, मुझे फारूक खान नाम में मिले और इसे संभालना, और आपको भी अगर आपके नसीब में ऐसे दोस्त मिलते हैं तो उन्हें संभालने की कोशिश कीजिए, क्योंकि कॉम में हमने देखा है कि हमने बहुत बहुत अच्छे लोगों को गंवाया है उनको झूठे तरीके से बदनाम करके या करने की कोशिश करके। इसीलिए गाँव के बीच में आज मुफ्ती साहब आप और हम जानते हैं कि अच्छे लोग दूर दूर होते जा रहे हैं। हालांकि मैं कुछ कहना नहीं चाहता था, लेकिन क्या करें, किसी शायर का एक शेर है, आज भी मेरे ख्यालों की तपिश जिंदा है, मेरे गुफ्तार की देरी ना रविश जिंदा है, इसलिए कुछ कहने के लिए खड़ा हूँ। वरना मेरे ताल्लुक से कलमकार हजरत ने, आशोराए किराम ने इस किताब में बहुत कुछ लिखा है, उसे पढ़ने के बाद मैं इतना जज्बाती हो जाता हूँ कि बाद दफे मेरे आंखों से आंसू निकल पड़े। और फिर अभी इन मुकर्ररीन ने मेरे ताल्लुक से जो कहा, मुझे ऐसा लगता है कि मुझ जैसे एक नाचीज की या फिर मेरी जर्रा नवाजी है जो आप लोगों ने मुझे हकीकत से ज्यादा बुलंद और बेहतर
साबित करने की कोशिश की है। इस मौके पर मैं मरहूमीन में मेरे उस्ताद मरहूम एन समर्थ खानापुरी प्रोफेसर शौकत अली मन्यार मेरे रफीके कार मरहूम वाहिद हुसैन शाहपुरी और मरहूम महबूब पटेल साहब को या बहुत उनकी गैर हाजिरी यहाँ पर महसूस कर रहा हूँ। रब्बुल आलमीन से दुआ है कि उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता करें।